हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज रोज की तरह। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे वो टीजीटी पीजीटी यूपी हो, चाहे यूपीएलटी ग्रेड हो, चाहे अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, किसी भी कम्पिटिशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और डेली बेसिस में जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, सभी चीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और वहाँ पे सभी डिटेल में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह सेट ई का अभ्यास 5 है। इस प्रकार से 16-17 सेट है, 7 से 8 हज़ार क्वेश्चनों का सीरीज है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो भी आपने थ्योरी सेशन पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आप अपना स्कोर चेक कीजिए। तो दोस्तों, 40 क्वेश्चनों का सीरीज आज का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, प्रैक्टिस में से मेन परफेक्ट, बार बार अभ्यास कीजिए। जो भी आपके जो टॉपिक में आप अटक रहे हैं या कमजोर हैं या त्रुटियां हो रही हैं, उसको सुधारिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न मनोरंजन संगठन का सिद्धांत है। तो मनोरंजन के संगठन का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? तो मनोरंजन हमेशा सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन्हें कि कानून के विपरीत हो, ऐसा मनोरंजन मनोरंजन नहीं माना जाता है, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो समाज केंद्रित होना चाहिए एंड बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उसमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका अलाव एबव राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोरंजन प्रशासन निम्न राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्ति में सहयोग देता है। तो मनोरंजन प्रशासन जो है निम्न राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्ति में सहयोग देता है। तो यह लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करता है, राइट है। चारित्रिक भावना का विकास करता है, ये भी राइट है। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता का विकास करता है, ये भी राइट है। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक के व्यवसायिक गुण में निम्न होनी चाहिए। शिक्षक के व्यवसायिक गुण में निम्न सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 सम्मिलित है, 1 सम्मिलित नहीं है, उसको आपको छांटना है। तो व्यवसायिक गुण में क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले जो व्यवसाय कर रहा है उसके प्रति उसका निष्ठा तो होना ही चाहिए, एंड जो व्यवसाय कर रहा है उसमें प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। और जो व्यवसाय कर रहा है उस विषय का उसको पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए, तभी उसका व्यवसाय हो सकता है। तो व्यवसायिक गुण ये तीनों होना चाहिए। यहाँ पे सामाजिक गुण आपका राइट नहीं होगा। नेक्स्ट, शिक्षक के व्यक्तिगत गुण में निम्न सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 3 सम्मिलित है आपका, 1 सम्मिलित नहीं है, उसको छांटना है। जैसे कि संवेगात्मक संतुलन, जो इमोशन आपका होता है अंदर से निकलता है, ये आपका व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व की क्षमता, ये भी व्यक्तिगत गुण है। उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प, ये आपका व्यक्तिगत गुण है। ठीक है, अब व्यावसायिक निष्ठा आपका व्यक्तिगत गुण नहीं है। नेक्स्ट, मनोरंजन एजेंसियों में निम्न सम्मिलित है। तो सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां, व्यावसायिक एजेंसियां, ये सभी मनोरंजन में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो इस ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा, सबसे भारी पारा होता है। नेक्स्ट है, सुयोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यता तथा चरित्र की दृढ़ता की भावनाएं स्थान लेती हैं, किसका कथन है? तो यह कथन है SC बक का। नेक्स्ट है, शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारे युवकों को शरीर हष्ट पुष्ट बनाना चाहिए। धर्म तो बाद की चीज है, तुम गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेल कर स्वर्ग के निकट पहुंच सकते हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको किया था LP MATVEY ने। खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों MATVEY ने कौन से सन में स्थापित किया था? तो इसको स्थापित किया था 1979 में।
निर्भय मैट वी एव ने खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, तो अभी आप जस्ट उसी पे देखे हैं, 6 खेल प्रशिक्षक सिद्धांत इन्होंने दिया था मैट वी एव ने। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के 10 सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था, 6 तो मैट वी एव ने किया था और 10 सिद्धांतों किसने किया था प्रतिपादित खेल प्रशिक्षण के, तो लेट जेटर ने किया था। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के 10 सिद्धांतों को कौन से सन में लेट जेटर ने प्रतिपादित किया था, तो इसको किया था 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट लेट जेटर ने निम्न खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो इन्होंने 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं खेल प्रशिक्षण के। नेक्स्ट खेल प्रशिक्षण के 7 सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था, तो 7 सिद्धांतों की बात कर रहा है, तो 7 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था हैरे वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट खेल प्रशिक्षण के 7 सिद्धांतों को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था, तो यह 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन को जागृत या एकाग्र के लिए निम्न योग उत्तम होगा, तो मन को जागृत और एकाग्र के लिए राजयोग उत्तम होता है, जिसके राजयोग के अंतर्गत अष्टांग योग का जिक्र होता है, महर्षि पतंजलि ने किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जैसे कि योग के प्रकार है कर्मयोग ज्ञान योग हठ योग राजयोग मंत्र योग लय योग भक्ति योग। कर्मयोग कर्म करने का योग है, ज्ञान योग ज्ञान और विवेक का योग है, हठ योग शारीरिक शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने का योग है, हठ योग वेरी इंपॉर्टेंट है, शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने का योग है हठ योग। राजयोग जो है मन को जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जागृत करने का योग है, और मंत्र योग छह कंपन का प्रयोग करते हुए मन को स्वतंत्र करने का योग है, और लय योग व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग है, और भक्ति योग सघन भक्ति करने का योग है। नेक्स्ट है हठ योग का अंग है, तो दोस्तों सटकर्म जो है सटकर्म आसन प्राणायाम ये तीनों आपके हठ योग का अंग है। हठ योग क्या है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने का योग है, तो इसमें से आसन प्राणायाम तो आपके महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत भी आता है, लेकिन सटकर्म उसमें नहीं आता है, तो सटकर्म आसन प्राणायाम ये आपके आते हैं हठ योग के अंतर्गत। नेक्स्ट व्यक्ति के अपने अंदर छुपी शक्तियों से परिचित करने वाला योग कौन सा होता है, दोस्तों वो होता है कुंडलिनी योग। नेक्स्ट है इनमें से योग का तीसरा अंग कौन सा है, जैसे कि अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग की बात किया गया है महर्षि पतंजलि ने अपने राजयोग में, तो तीसरा अंग कौन सा है, यम नियम आसन, ठीक है आसन आपका तीसरा अंग है। नेक्स्ट है परीक्षण पुनर्परीक्षण यानी टेस्ट रीटेस्ट मेथड विधि द्वारा जिस तरह के गुणांक का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कालिक स्थिरता गुणांक, पीरियोडिक स्टेबिलिटी कोफिशिएंट कोफिशिएंट। नेक्स्ट है कि परीक्षण पुनर्परीक्षण यानी टेस्ट रीटेस्ट मेथड द्वारा विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो दोस्तों यहां पे आपका राइट हो जाएगा, जैसे कि आपको इसके पर वीडियो बनाया गया है कि परीक्षण के मूल्यांकन की कसौटी क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट इवेल्युएशन के 3 परीक्षण के मूल्यांकन की कसौटियां हैं, क्राइटेरिया फॉर टेस्ट इवेल्युएशन के 3 विधियां हैं, वैज्ञानिक प्रामाणिकता प्रशासनिक व्यवहारिकता एंड शैक्षिक प्रयोग। इसमें से वैज्ञानिक प्रामाणिकता होती है एक गुड टेस्ट के परीक्षण के मूल्यांकन के लिए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी नॉर्म्स स्टैंडर्ड, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी वैधता, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, नॉर्म्स एंड मानक यानी स्टैंडर्ड।
रिलेबिलिटी क्या होता है कि एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाए और हर बार परिणाम एक जैसे आए तो उसे हम कहते हैं कि वह रिलेबल है यानी विश्वसनीय है। एक ही परीक्षण एक ही समूह पर किया जाए, ठीक है, एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार किया जाए, परिणाम हर बार एक ही आना चाहिए, यानी बार बार परीक्षण लेने पर एक जैसा स्कोर आए तो हम कहेंगे कि वो रिलेबल है, ठीक है। और जो रिलेबिलिटी होती है यह किसी परीक्षण की विश्वसनीयता मापने के लिए, विश्वसनीयता यानी रिलेबिलिटी पांच प्रकार की होती है। पहला है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, दूसरा है पैरेलल फॉर्म मेथड एंड तीसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबल मेथड एंड चौथा है स्पीड हॉफ मेथड एंड पांचवा है कूरर रिचर्सन मेथड। ये सभी है आपके रिलेबिलिटी को मापने की विधि। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या होता है, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, यह होता है एक ही परीक्षण को, क्या होता है, एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर दो बार फिर दोनों के मध्य संबंध अच्छा आना चाहिए तो अविश्वसनीय माना जाता है। एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर दो बार किया जाता है, तो यानी कि परीक्षण पुनः परीक्षण, एक ही परीक्षण है और एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर दो बार हम प्रयोग करेंगे और दोनों बार सेम सेम आना चाहिए तो वो माना जाएगा कि विश्वसनीय है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि परीक्षण पुनः परीक्षण विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, एक ही परीक्षण का समूह पर दो बार परीक्षण, ठीक है, एक ही परीक्षण का एक ही समूह पर दो बार परीक्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ख, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किसकी आवश्यकता होती है, नहीं होती है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पतिक प्रोटीन में सर्वाधिक प्रोटीन निम्न में पाया जाता है। तो वनस्पतिक प्रोटीन में सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद आपका मूंगफली, उसके बाद दालों में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में काम आने वाले विभिन्न पाचक रसों तथा हार्मोन्स का निर्माण करने में सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है प्रोटीन का पाचक रसों हार्मोन्स के निर्माण करने में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खेल समिति, इसकी गठन कब हुआ था, तो अखिल भारतीय खेल समिति का गठन 1954 में किया गया था। नेक्स्ट है उस एंजाइटी के कारक को क्या कहते हैं जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि हृदय गति, मांसपेशियों में तनाव आदि को दर्शाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सोमैटिक एंजाइटी, क्या कहते हैं इसको, सोमैटिक एंजाइटी, यानी उस एंजाइटी को क्या कहते हैं जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे हृदय गति, मांसपेशियों में तनाव आदि को दर्शाता है, उसको सोमैटिक एंजाइटी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रथम लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज LNCPE की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना किया गया था 1957 ग्वालियर मध्य प्रदेश में, 1957 ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य थे PM जोसेफ, जिनको 1967 में पद्मश्री दिया गया था एंड 1973 में 2 सितंबर 1995 में इसको डिम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया और 2000 में युवा व खेल मंत्रालय के अधीन आ गया यह। और दोस्तों इसकी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज की दो शाखाएं, इसका एक शाखा 1885 में त्रिवेंद्रम में खोला गया और दूसरा 2010 में गुवाहाटी असम में इसकी शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो PM जोसेफ थे, कौन थे, PM जोसेफ।
नेक्स्ट है, देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा तथा कार्यक्रमों के संचालन के लिए, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में संचालन के लिए किस कमिटी यानी समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था नेशनल फिटनेस स्कोर 1965, NFC 1965। नेक्स्ट है, नेशनल फिटनेस स्कोर 1965 के अध्यक्ष कौन थे? तो नेशनल फिटनेस स्कोर 1965 के अध्यक्ष थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू। एंड कुंजरू समिति की स्थापना 1969 में भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की सारी क्रियाओं का योग है। सारी क्रियाओं का योग जहां पे आएगा वहां आप समझ जाइएगा, वो विलियम जेम्स का परिभाषा है। ठीक है, सारी शिक्षा व्यक्ति के सारी क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम जेम्स का। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा विद्या का वह भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों द्वारा करे। यह कथन किसका है? यह कथन है R.A. Womann का। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों के से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। यह कथन किसका है? जहां शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की बात आए और मांसपेशी से संबंधित होने वाले कार्य क्रिया और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं की बात आए, वहां पे आपका हो जाएगा जेबी नेस की परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का क्या कार्य है? तो दोस्तों, मानव त्वचा क्या करता है? ज्ञान इंद्रियों के रूप में कार्य करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पसीना जो निकलता है उससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। यह उपकला उत्तर यानी एपिथेलियल टिश्यू होता है। राइट है, आपके सभी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो यहाँ पे गुर्दा यानी किडनी एंड फेफड़ा दोनों उत्सर्जक अंग है। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा यानी व्यायामशाला किस लिए प्रसिद्ध था? तो व्यायामशाला को प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा बोला जाता था। यह एक मल्ल युद्ध विद्यालय था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम किस लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम जो है एक संगीत विद्यालय हुआ करता था, संगीत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, 13वां एशियाई खेल कहां खेला गया था? तो दोस्तों, 13वां एशियाई खेल खेला गया था बैंकॉक में। कहां में? बैंकॉक में, 1998 में। ठीक है, 1998 बैंकॉक में 13वां एशियाई खेल खेला गया था। एंड 14वां 2002 बुसान में खेला गया था। 15वां 2006 दोहा में खेला गया था। 16वां 2010 ग्वांगझोउ चीन में खेला गया था। 17वां 2014 इंचियोन दक्षिण कोरिया में। एंड 18वां 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में खेला गया था। और 2022 19वां जो है ग्वांगझोउ चीन में खेला जाएगा। अभी इसका संपादन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने की है? तो पहली बार राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किया है मलेशिया। कौन किया है? मलेशिया। जैसा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था एंड 2018 का राष्ट्रमंडल खेल, 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एंड 2022 का 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। एंड 2023 का राष्ट्रमंडल खेल संपन्न होगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में संपन्न होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। एंड 2022 राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, जिसमें भारत
61 मेडल प्राप्त किया है, कितना 61 मेडल, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रांज मेडल प्राप्त किया है। भारत जो है चौथे स्थान पर है, पहला स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1998 में आयोजित एशियाई खेलों में निम्न में से कौन से खेल सम्मिलित किए गए थे, तो इसमें स्नूकर एंड बिलियर्ड्स को शामिल किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 40 क्वेश्चनों का सीरीज था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप करते रहिए, क्योंकि तुरंत आप अभ्यास करेंगे, एग्जाम आने वाला रहेगा तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। एंड पहले से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।